शीला भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने 2019 में किसके साथ अभिनय जीवन शुरू किया। SIIMA पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रथम फिल्म कन्नड़ जीता और 2021 में पेही सांडार के साथ तेलुगु सिनेमा में प्रवेश किया। उसने तब से 2022 की एक्शन कॉमेडी धमाका में अभिनय किया है। श्री लीला का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण भारत के बेंगलुरु में हुआ था। 4-5 उनकी माँ स्वर्णलता बेंगलुरु में स्थित एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। 6 स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरापनी सुभाकरा राव से हुआ था, लेकिन लीला का जन्म उन दोनों के अलग होने के बाद हुआ था। 5-7 लीला ने एक बचपन से भरतनाट्यम नृत्य में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। वही एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है। 3 और 2021 तक अपने MBBS के अंतिम वर्ष में थी। 8 2022 फरवरी में लीला ने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया था। निर्देशक AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा द्वारा खींची गई लीला की कुछ तस्वीरें देखी और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किसके लिए ले लिया। उन्होंने ने कहा है कि उनके तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना क्योंकि वह बेंगलुरु में पली बड़ी थी इसलिए। 10 किसके लिए फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ। उस समय लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में थी। 3 ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। 11 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने कहा कि लीला ने एक आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। उन्होंने आगे लिखा, श्री लीला स्टाइलिश दिखती है और समान ध्यान आकर्षित करती है। 12 टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकेश ने ये कहते हुए भावनाओं को प्रतिध्वनित किया कि लीला उनकी भूमिका में चमक गई। 13 एक महीने बाद श्री मुरली के साथ उनकी दूसरी फिल्म भारतीय रिलीज हुई। 14 द न्यूज मिनट के लिए उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए अरविंद श्वेता ने लिखा, लीला अच्छी है और जब अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति की बात आती है तो वह श्री मुरली के साथ खुद को समान रखती है। 15 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने लिखा है कि ये श्री लीला की दूसरी फिल्म है और ऐसा लगता है कि वह कैमरे के सामने सहज हो रही है और भूमिका की मांग को पूरा करती है। 2021 में लीला को रोमांटिक संगीत में फिल्म पेही सांडार में लिया गया जिससे उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की। 17 उन्होंने अपने इस चरित्र को ऐसा पाया कि जिसको पाने के लिए वह मरने तक को तैयार है। 18 जबकि इस फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन लीला की भूमिका ने समीक्षकों से सराहना प्राप्त की। 19 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय टू लव में अभिनय किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुनैना सुरेश ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, श्री लीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो को चुरा लिया है जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ सुंदर दिखती हीरोइन से अधिक अपनी भूमिका के अभिनय के लिए विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में अभिनय के लिए। 20 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने महसूस किया कि फिल्म में उन्हें देखकर खुशी हुई। 21 डेक्कन हेरल्ड की एक समीक्षा ने कहा कि जबकि वह प्रभावशाली थी लेकिन लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। 22 पेही सांडार की सफलता के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों से कई प्रस्ताव मिले। 19-23 इसके बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ धमाका में अभिनय किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 24-25-26 लीला के पास भविष्य में कई प्रोजेक्ट हैं। वह तेलुगु कन्नड़ द्विभाषी फिल्म जूनियर में जी जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी के साथ भी अभिनय करने के लिए तैयार हैं। 27-28 इसके अलावा वह वक्कथम वामसी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में नितिन के साथ दिखाई देंगे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट।